नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार में होने जा रहे उपचुनाव की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी उपचुनाव जीत सकती है। बिहार का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच इलेक्शन विंग की टीम ने जनता के मन को टटोलने की कोशिश किया है कि उनका मोड किधर है। इस बार बिहार की जनता किस पार्टी को जिताकर पटना तक भेजना चाहती है और तमाम सवालों के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। साथ ही आज हम बात करेंगे कैसे किया जाता है सर्वेक्षण और कैसे तैयार किया जाता है ओपिनियन पोल। तो शुरू करते हैं। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल RJD का गठबंधन अभी टूटा हुआ है। दोनों पार्टियों ने अपना अलग अलग उम्मीदवार तारापुर और कुशेश्वर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब समझते हैं कि क्यों खाली हुई हैं ये सीटें और क्यों करना पड़ रहा है उपचुनाव। मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर दोनों विधानसभा सीटें विधायकों की अचानक मौत के कारण खाली हुई हैं। 19 अप्रैल को तारापुर के विधायक और पूर्व मंत्री मेवा चौधरी की कोरोना से हुए मौत के बाद तारापुर सीट खाली हो गई। वहीं कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशि भूषण हजारी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तारापुर जाकर हालात का जायजा लिया और चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। कुशेश्वर और तारापुर दोनों स्थान JDU की मौजूदा सीटें हैं और नीतीश कुमार इस पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। कुशेश्वर स्थान में कुल मतदान केंद्र 310 और तारापुर सीट पर कुल बूथ 406 हैं। 30 अक्टूबर को दोनों विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस उपचुनाव में कुल 5,57,435 वोटर अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुशेश्वर सीट पर 4,210 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि तारापुर में 4,284 मतदान कर्मी तैनात हैं। अब बात करते हैं हमारे चैनल के ओपिनियन पोल के अनुसार कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं तारापुर विधानसभा की। तारापुर में जनता दल यूनाइटेड को सबसे अधिक 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के खाते में 38% वोट जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 9%, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को 9% और अन्य दलों को 3% वोट मिल सकता है। विधानसभा कुशेश्वर में जनता दल यूनाइटेड JDU को सबसे अधिक 39% वोट मिल सकते हैं। वहीं प्रदेश की मुख्य है विपक्षी पार्टी राजद के खाते में 36% वोट जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 13%, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को 10% और अन्य दलों को 2% वोट मिल सकता है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों ही सीटों पर NDA गठबंधन जीत हासिल करते दिख रहा है। यह फाइनल नतीजे नहीं है, यह सिर्फ एक अनुमान है। अगर सही और सटीक ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी हम उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं। हम सभी 5 राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इलेक्शन विंग सिर्फ व सिर्फ ओपिनियन पोल ही दिखाता है। हमारा तजुर्बा 22 वर्षों का है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।